आज की मूवी में हम एक ऐसी लेडी की स्टोरी को कवर करने वाले हैं जिसका पति एक वॉर के दौरान घायल हो जाता है और वो उसके साथ सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाती, तो इसके कारण वो अपने नौकर से वो सारे काम करती है। दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक। मैं हूं अनिकेत, आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मूवी के एंड तक बने रहना, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हॉर्स की रेस देखते हैं जहाँ पर रोज की तरह और इनकी हर बार की तरह एक क्लिफर्ड नाम का एक आदमी जिसे जीतता आ रहा था, वो अपनी वाइफ को यानी कि इस मूवी की जो मेन लेडी है कौनी, उसको बताता है कि आज हमारे घर में पार्टी होगी मेरी जीत की खुशी में। तो इनकी पार्टी हो रही है तभी क्लिफर्ड को बीच में एक मैसेज आता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वॉर छिड़ गई है और उसे जाना होगा। क्लिफर्ड वॉर में जाता है और वॉर के दौरान उसे एक गंभीर चोट आती है जिसके कारण वो घायल हो जाता है, और जैसे वो अपने घर पहुंचता है तो सबको पता पड़ता है कि अब वो चल नहीं सकता है, वो एक तरह से अपाहिज हो गया है और एक तरह से नपुंसक भी हो चुका है और वो अपनी वाइफ की जो सेक्सुअल नीड्स हैं उन्हें वो पूरा नहीं कर सकता है। दोस्तों, क्योंकि क्लिफर्ड एक नपुंसक बन चुका था और उसके लिए उठना बैठना भी मुश्किल नहीं था, तो हम देखते हैं कि वो कॉनी को अपने पास बुलाता है, इनके अपनी वाइफ को, और उससे बातें करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा एक वारिस होता, पर अब मुझे जो चोट लगी है तो ये सब इम्पॉसिबल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे आदमी से प्यार करो, तुम एक खूबसूरत लेडी हो तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत करो, तुम एक दूसरे आदमी से प्यार करो, उसका जो बच्चा होगा मैं उसे ही अपना वारिस बनाना चाहता हूँ। तभी दोस्तों वहाँ पर ओलिवर नाम का उनका एक सर्वेंट आता है और क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है कि तुम मेरी व्हीलचेयर को पकड़ो और मुझे मेरे घर तक छोड़ कर आओ। तो हम देखते हैं क्लिफर्ड यहाँ पर कॉनी को देखता ही रह जाता है और उसको वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और कॉनी को भी वो अट्रैक्टिव लगने लगता है। अगला सीन यहाँ से दोस्तों चेंज होता है, हम देखते हैं कि क्लिफर्ड की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है और वो लोग इमीडिएटली एक डॉक्टर को कॉल करते हैं, पर डॉक्टर नहीं आ पाता, उसकी जगह पर एक नर्स आती है जिसका नाम होता है मिस ब्रैटली। मिस ब्रैटली क्लिफर्ड की कंडीशन को देखते हुए उसे उसकी सूटेबल दवाइयाँ देती हैं और क्लिफर्ड तभी वहाँ पे कॉनी से कहता है कि तुम इन्फॉर्मेशन लेकर आओ हमारे अंडों की, यानी कि उनका एक पोल्ट्री फार्म भी था। जैसे कॉनी वहाँ पर जाती है उसे वही ओलिवर उनका सर्वेंट मिलता है जो वहाँ पर नहा रहा था, और वो उसके फिजिक को देखकर वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती है उसे, और उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगता है। जैसे वो कॉनी घर आती है उससे क्लिफर्ड पूछता है कि क्या तुमने अंडों की इन्फॉर्मेशन ली ओलिवर से, तो कॉनी कहते हैं कि मुझे वहाँ पर ओलिवर मिला ही नहीं। यहाँ से दोस्तों जो सीन चेंज होता है और उसी रात का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉनी जो है अपनी इमेजिनेशंस में ओलिवर को देख रही थी और अपने सेक्सुअल डिजायर्स को अपने बॉडी पार्ट्स को टच कर रही थी। यहाँ से दोस्तों फिर सीन जो है वो चेंज होता है और हम देखते हैं कि कॉनी फिर से ओलिवर के पास जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कॉनी है वो उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए था ओलिवर से मिलने का, वो दिन में कितनी बार ओलिवर के पास आती थी। ओलिवर भी दोस्तों उसकी इंटेंशंस को समझ चुका था कि वो किस तरफ इशारा कर रही है, पर ओलिवर का माइंड में इंटेंशंस क्लियर थी कि वो एक ऐसी लेडी से प्यार नहीं करेगा जिसका पति एक किंग हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो कॉनी है वो अपने पोल्ट्री फार्म की चाबी मांगती है ओलिवर से और चाहती है कि मैं कभी भी यहाँ पर आ जा सकूँ, उसे खुली फ्रीडम हो। तो ओलिवर भी बेचारा क्या करता, वो भी एक सर्वेंट था तो वो उसे चाबी दे देता है, और हम देखते हैं कि कॉनी जो है वो दिन में तीन तीन चार बार बार वहाँ पर अपने पोल्ट्री फार्म में आती है ओलिवर से मिलने के लिए, और हम देखते हैं वो वहाँ पर रोने लगती है। तब वो ओलिवर को बताती है कि मेरा भी कोई बच्चा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे के पिता बनो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन जो है दोस्तों वो देखने को मिलता है। इन दोनों को इंटीमेट सीन के बाद हम देखते हैं कि जो कॉनी है वो भागकर जा रही है, उसका रीज़न ये था कि इसके मन में गिल्ट आ गया था कि मैंने ये क्या कर दिया है। हम यहाँ पर मिस ब्रैटली को देखते हैं जो कि ये महसूस कर लेती हैं कि कॉनी का किसी के साथ रिलेशनशिप चल रही है। हम देखते हैं कॉनी घर आती है और वो अपने पति से प्यार करने लग जाती है, और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि कॉनी को जब गिल्ट महसूस हुआ था तो उसके बाद उसने तीन चार दिन वो ओलिवर से नहीं मिली थी और ओलिवर भी उसे देखने के लिए तड़प रहा था। हम देखते हैं मिस ब्रैटली ओलिवर को उनके गार्डन में देख लेते हैं क्योंकि ओलिवर भी कॉनी से मिलने के लिए तरस रहा था। फिर एक दिन ओलिवर अपने आप ही कॉनी से मिलने के लिए उसके गार्डन में आ जाता है और वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमें उनका एक और फिजिकल सीन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ से दोस्तों सीन चेंज होता है और ओलिवर कॉनी के घर में आता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात क्लिफर्ड से होती है और वो घबराकर बोल देता है कि हमने दो शिकारियों को पकड़ा है जो अवैध शिकार कर रहे थे हमारे जंगलों में। तो क्लिफर्ड कहता है कि उनकी सुनवाई की जाए, तो जैसे ये लोग बाहर जाते हैं क्लिफर्ड उनका आदेश देता है कि उन लोगों की सुनवाई की जाए, उनकी कार्रवाई की जाए, पर कॉनी जो है ये सब करने से वो मना कर देती है। तब दोस्तों क्लिफर्ड एक ही बात में ये कहता है कि मैं इन लोगों को सिर्फ एक ही कंडीशन में छोड़ सकता हूँ कि अगर ओलिवर इनको मारे, तो ओलिवर भी बेचारा करे क्या क्योंकि एक सर्वेंट होने के कारण वो उनके आदेशों को मानता है और उनको मारता है। अगला सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कॉनी को अपने हस्बैंड क्लिफर्ड की बातें याद आ जाती हैं कि उसको एक बच्चा चाहिए,
तो वो इस बात के बारे में बातें करने वो ओलिवर के पास जाती है। ओलिवर से डायरेक्ट पॉइंट में बातें करती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए, पर ओलिवर जो है इस चीज़ के लिए नामंजूर होता है और उससे कहता है कि तुम एक किंग की बीवी हो और मैं कैसे मान ले सकता हूँ ये चीज़ कि तुम मेरे साथ एक बच्चा चाहती हो। और वो कहता है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड से परमिशन ले रखी है, तो वो कहती है कि वो मान जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस ब्रेटली को कोनी के हेयर में एक घास का टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे का अंदाज़ा जो है वो पूरा पक्का हो जाता है कि वो ओलिवर के साथ रिलेशनशिप में है। अब जो हम देखते हैं कि ये दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके थे, तो ये दिन में दो दो तीन तीन बार दोस्तों ये लोग जो है इंटीमेट होते थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे बहुत ही अच्छा वाला, और ये दोनों ये भी चाहते थे कि वो फ्यूचर में शादी करें। यहाँ पर कोनी ओलिवर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात ज़रूर बिताना चाहती हूँ। तो जैसे ही इन दोनों की आपस में ये दोनों एक दिन रात को सोते हैं, तो हम देखते हैं कि जो क्लिफर्ड है वो अपने घर पे अपनी छत पे था और वो कोनी को जंगलों में से आते हुए देख रहा था, जिससे कि उसका जो शक था वो पूरा पक्का हो चुका था कि उसकी ओलिवर के साथ उसकी वाइफ कोनी का रिलेशन जो है दोस्तों वो चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक दिन ओलिवर जंगलों में जा रहा था अपनी वाइफ कोनी के साथ, और हम देखते हैं कि उसकी जो वाइफ है वो कोनी, वो ओलिवर से मिलती है अपने जंगलों में, और ये सब चीज़ क्लिफर्ड को पता होती है। हम देखते हैं क्लिफर्ड अपनी जानबूझकर अपनी जो कार है उसको एक कीचड़ में धंसा देता है और वो ओनी को आवाज़ लगाता है कि वो उसको बाहर निकाले, और यहाँ पर जानबूझकर क्लिफर्ड उसके ऊपर कीच फेंकता है और वो फिर वहाँ पे ओलिवर को भी बुलाता है ताकि वो उसके साथ भी ऐसा कर सके। अब दोस्तों जो सीन जो है वो स्वैप होता है और हम कोनी को देखते हैं जो ओलिवर के पास आती है और उसके साथ एक नाइट स्पेंड करती है। यहाँ से फिर से चीज चेंज होता है और हम क्लिफर्ड को देखते हैं जो अपने रूम में था, सो रहा था, उसकी आंखें एकदम से खुलती हैं और वो कोनी के रूम में जाता है, पर हम क्या देखते हैं कि कोनी अपने रूम में वहाँ पर नहीं होती है, जिसके कारण क्लिफर्ड का शक जो है वो एकदम पक्का हो जाता है। और वो अगले दिन अपनी बालकनी में खड़ा था और वो कोनी को जंगलों में से आते हुए देख रहा था, और वो कोनी को लास्ट वार्निंग देता है कि तुम अगली बार हमारे सर्वेंट से मिली तो तुम्हारी खैर नहीं, और मैं उस सर्वेंट को भी नौकरी से निकाल दूंगा। दोस्तों उसका ये कहने का मेन रीज़न ये था कि वो नहीं चाहता था कि उसका जो बच्चा है वो एक सर्वेंट का बच्चा हो। तो और अगले ही दिन वो कोनी को उसके सिस्टर के पास फ्रांस भेज देता है। उसी दिन कोनी को खबर मिलती है कि क्लिफर्ड की तबीयत जो है वो ख़राब है, तो वो उसी दिन क्लिफर्ड के पास जाती है और वो क्या देखती है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को जॉब से निकाल दिया है। तो वो वहीं से भागकर निकलती है और ओलिवर को ढूंढने लगती है। उसे ओलिवर मिलता है अपने घर पे और वो ओलिवर को अप्रोच करती है शादी के लिए, क्योंकि अब उसको ये पक्का हो चुका था कि क्लिफर्ड जो है वो उसे अपने घर में अब नहीं घुसाएगा। कोनी ओलिवर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, और मैं चाहती हूँ मैं तुमसे शादी करूँ, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में रहूँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों इस बात के लिए ओलिवर भी मान जाता है और यहाँ पर हमारी मूवी जो है वो एंड होती है।